हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो राजस्थान संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया है, जो सारे टॉपिक से लिए गए हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करें पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान संबंधित सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लेके आए हैं। वह लोकनाट्य जो लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़ों पर चित्रित चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, कौन सा है? निम्न विकल्प है फर, रम्मत, नौटंकी या फिर स्वांग। चित्रण से संबंधित प्रश्न है, चित्रकला, और इसका सही आंसर है फड़। राजस्थान में विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा किस गीत से स्वागत किया जाता है? विकल्प है जला, गोड़बंद, सीथड़े या शूष्ण। और आइए इसका आंसर देखते हैं। उसका आंसर है सीथड़े। निम्न में से कौन सा कर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती हैं? विकल्प देखिए जल कर, यात्री कर, आय कर या फिर गृह कर। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आंसर सोच सकते हैं और आंसर मैच कीजिए। आंसर है आय कर। चलिए आगे बढ़े। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? विकल्प है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर या फिर सवाई माधोपुर। और सही आंसर है बाड़मेर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। हिरण नदी के तट पर बसा वह गांव जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? विकल्प है कलिंजड़ा, तलवाड़ा, कुशलगढ़ या फिर आनंदपुर। जैन मंदिर और हिरण नदी के तट पर बसा हुआ कौन सा है? आंसर है किलंजड़ा। राम सागर, उर्मिला सागर एवं पार्वती बांध किस जिले से संबंधित हैं? विकल्प है करौली, भरतपुर, पाली या फिर धौलपुर। आप तो जानते ही होंगे कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और सही आंसर है धौलपुर। राजस्थान में बहुविवाह प्रथा के अंतर्गत पहली पत्नी को बड़ी कहा जाता है, दूसरी पत्नी क्या कहलाती है? विकल्प है रखेल, बांदी, लोडी या फिर खैराल। और इसका सही आंसर है दूसरी पत्नी को लोडी कहा जाता है। हिंदू वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना ढाई दिन का झोपड़ा किस नगर में स्थित है? विकल्प है जयपुर, अजमेर, पाली या फिर पुष्कर। और इसका सही आंसर है अजमेर में ये ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है। बेरच नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से या उत्तरी मेवाड़ पहाड़ियों से। और इसका सही आंसर है गोगुंदा की पहाड़ियों से। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1130 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर या फिर 1070 किलोमीटर। और इसका सही आंसर है
1070 किलोमीटर। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए जो स्क्रीन पे लिंक आ रहे हैं उन पे क्लिक करें और आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारे अन्य वीडियोज़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।